Common sense is not so common. In the very same way, common things are also not very common. नमस्कार, मैं दीपक गुप्ता और आज के इस कक्षा में हम बात करेंगे कुछ उन चीजों की, कुछ उन श्रृंखलाओं की जिनके बारे में हम में से कुछ लोग तो जानते हैं लेकिन हम में से सब लोग नहीं जानते, और इसीलिए मैंने कहा दैट कॉमन थिंग्स आर नॉट वेरी कॉमन, कि वो चीजें सभी लोग जान सकें। तो हमारा प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग भी उन चीजों को जानें जो चीजें हमें समझने में या हमें यूज करने में डिफिकल्टी होती है या जिसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं होता है। आज की क्लास के लिए हम दो चीजें सीखेंगे। यहां पर एज यू कैन सी कि हमने लर्निंग लिखा हुआ है, तो यहां पर हम बात करें कुछ चीजों की जिनके बारे में हम आज नया सीखेंगे, और यहाँ पे हमारे कुछ कॉन्सेप्शंस हैं जो कि एक्चुअली मिसकॉन्सेप्शंस हैं और उनको हम इम्प्रूव करेंगे, उनको हम सुधारेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सभी को पता है कि जब भी हम ईयर की बात करते हैं, चाहे हम हिस्ट्री पढ़ें या ना पढ़ें, तो वहां पे दो चीजें आती हैं। एक तो आता है एडी और एक तो होता है बीसी। बीसी बड़ा कॉमन है, सभी को पता है कि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, दैट मींस बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बट व्हेन इट कम्स टू एडी, तो मेरे बहुत सारे मित्र मुझे कहते हैं दैट एडी स्टैंड्स फॉर आफ्टर डेथ, एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स दे डू नॉट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट फुल फॉर्म और द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी। ह्यूमरसली वन ऑफ माई प्रोफेसर्स He says that when people say that AD stands for after death, then I ask them, whose death? Yours or mine? So, let's understand. AD stands for Anno Domini. Anno Domini, that means when Jesus Christ was born. So, when Christ was born, after that we use AD, and before the birth of Jesus Christ, we use BC. Now, let me tell you that in modern terms, we use ADE and BCE. That means Anno Domini era, before Christ era. So be very careful and do not get confused when you find either ADE or BCE. Okay, हमने येलो कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब हम टाइम की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुबह 12 बजे के पहले टाइम हमारा एएम में होता है, दोपहर 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक वो चलता है पीएम में। तो हम समझ लेते हैं कि एएम पीएम एक्चुअली होता क्या है। एएम स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियन एंड पीएम स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट मीन्स आफ्टर एंड एंटी मीन्स बिफोर, एंड मेरिडियन मीन्स मिड डे। सो बिफोर मिड डे, हम जानते हैं कि हमारा मिड डे एग्जैक्टली 12 बजे होता है, तो बिफोर मिड डे हमारा टाइम एएम में होता है, एंड पोस्ट और आफ्टर मिड डे वो टाइम हमारा पीएम में होता है। तो अभी हमने ईयर का कॉन्सेप्ट सीख लिया है और टाइम का भी जो कॉन्सेप्ट है सीख लिया है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सब्जेक्टिव है और पर्सनल है। आई एम हैबिचुअल ऑफ वेकिंग अप वेरी लेट इन द मॉर्निंग, और मेरे मित्रों से जब बात होती है तो वो अमूमन 12 बजे के बाद होती है, एंड वेन एवर आई विश देम गुड मॉर्निंग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि इन्हें देखो, इनके लिए भी मॉर्निंग ही नहीं है। तो मैंने अभी तक उन्हें कुछ कहा नहीं है, बट मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें ये चीज सिखाऊंगा, और मैं ये भी आशा करता हूं कि यहाँ पे पर्पस हमारा सिर्फ लर्निंग का है और इम्प्रूवमेंट करने का है। देखिए, गुड मॉर्निंग एक्चुअली मींस द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द डे, एंड गुड नाइट मींस द लास्ट मीटिंग ऑफ द डे। अगर हम डेज के पार्ट, अगर हम डे को एक पार्ट में डिवाइड करें तो हमारे पास मेनली ये कुछ पार्ट्स निकल के आते हैं। डॉन,
मॉर्निंग नून आफ्टरनून इवनिंग डस्क ट्वाइलाइट नाइट एंड मिडनाइट. डॉन डॉन मींस प्री सनसेट. सनराइज करने से पहले आपने देखा होगा कि जब सनराइज होने वाला होता है तो सन थोड़ा सा येलोविश और ऑरेंज लगता है, हम उसे डॉन बोलते हैं. और जब सेम कंडीशन होती है सन की स्लाइटली ऑरेंजिश और येलोविश इन द इवनिंग बिफोर सनसेट तो उसको हम डस्क बोलते हैं. मॉर्निंग काफी ब्रॉड है, जो जल्दी उठते हैं उनके लिए जल्दी मॉर्निंग होती है, जो देर में उठते हैं उनके लिए देर में होती है. नून इज वेरी शार्प. 12 मिड डे 12 PM को हम नून बोलते हैं. आफ्टरनून अगेन थोड़ा सा वो लार्ज होता है, इवनिंग भी काफी लार्ज होता है और डस्क और ट्वाइलाइट दोनों इवनिंग के ही पार्ट हैं. नाइट का कॉन्सेप्ट फिर से जल्दी शुरू होता है, फिर से एक ब्रॉड होता है, जो जल्दी सोते हैं दोज हु अर्ली गो टू बेड उनके लिए तब नाइट होती है, और जो बाद में सोते हैं देर में सोते हैं उनके लिए तब नाइट होती है. देखिए द पॉइंट इज द लाइन इज एक्चुअली वेरी थिन दैट सेपरेट्स डस्क ट्वाइलाइट और इवनिंग डस्क एंड ट्वाइलाइट राइट और ट्वाइलाइट और नाइट. हमें बहुत टेक्निकल नहीं होना है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है. और फिर हमारा आता है मिडनाइट. अगेन ये एकदम शार्प होता है 12 AM. मैं बात कर रहा था कि हम कब विश करें गुड मॉर्निंग और कब विश करें गुड नाइट. बहुत ही अच्छी बात है अगर आप गुड आफ्टरनून गुड नून पे बहुत ध्यान रखते हैं तो, लेकिन अगर आप ध्यान ना भी रखें आप गुड मॉर्निंग किसी पर्सन को आफ्टरनून में भी विश कर सकते हैं. एंड द रीजन इज गुड मॉर्निंग मींस द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द डे. यदि आप उससे पहली बार उस दिन मिल रहे हैं तो. सिमिलरली आपने देखा होगा कि जो कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो 7 या 8 बजे घर जाते हैं और वो टीचर्स को गुड नाइट विश करते हैं. वो जाके तुरंत सोते नहीं हैं, लेकिन गुड नाइट का मतलब ये होता है, गुड नाइट मींस द लास्ट मीटिंग ऑफ द डे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को 10 बजे फोन करिए और पहले बोलिए गुड नाइट. नहीं, पहले आप गुड नाइट नहीं बोल सकते. जब आप फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हो तब आप उस पर गुड नाइट बोल सकते हैं. तो मैं आशा करता हूं कि अब आपका ये कॉन्सेप्ट कि हम कब विश करें गुड मॉर्निंग और कब विश करें गुड नाइट ये क्लियर हो गया होगा. अब हम इस तरफ आते हैं. देखिए लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बट अनलर्निंग इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट. अनलर्निंग व्हेन आई से अनलर्निंग तो मेरा मतलब होता है कि उन चीजों को इंप्रूव करना जो मिसकॉन्सेप्शंस हमारे मन में आ गए हैं. आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों ने कई बार सोर्स यूज किया होगा. ऐसा नहीं कि सोर्स वर्ड होता नहीं है, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आपने इसे इन्फ्लुएंस के सेंस में यूज किया होगा. कहते हैं ना हमारे नेबर में, हमारे नेबरहुड में उसका बड़ा सोर्स है, यानी उसको बहुत लोग जानते हैं. तो ये सोर्स जो टर्म हम उस सेंस में यूज कर रहे हैं वो गलत है. इसका मतलब सिंपली इन्फ्लुएंस है. ही इज एन इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल इन द सोसाइटी. रमेश इज वेरी इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट, नॉट सोर्स. यहां पर हमें सोर्स का यूज करना बिल्कुल ही गलत है. हम उसके लिए इन्फ्लुएंस यूज कर सकते हैं और उस पर्सन के लिए इन्फ्लुएंशियल प्लस IAL और ई हटा देंगे राइट. बाउंडेशन द सेकेंड मोस्ट कॉमन टर्म दैट आई हैव हर्ड पीपल डिस्कसिंग आफ्टर सोर्स. हमारे घर में बड़ी बाउंडेशन है भाई साहब. बाउंडेशन जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है. और हम भारतीयों की यह समस्या है दैट ड्यू टू ओवर जनरलाइजेशन हम बहुत सारे वर्ड खुद ही क्रिएट कर देते हैं. जिसे आप बाउंडेशन कहना चाह रहे हैं दरअसल वो बाउंड होता है. फॉर एग्जाम्पल द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ टाइम बाउंड इंक्वायरी. अ टाइम बाउंड इंक्वायरी
दैट मीन्स एन इंक्वायरी विद इन अ टाइम फ्रेम. तो अगली बार से व्हेनेवर यू यूज बाउंडेशन, रिमेंबर कि आप वो वर्ड यूज कर रहे हैं जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो आप उस वर्ड पे स्विच करिए जो एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स बाउंड. आगे बढ़ते हैं. फोन सभी के पास होंगे और आप भी मुझे फोन पे ही देख रहे हैं. जब आपका फोन बजता है तो लोग कहते हैं, या आप किसी को फोन कर रहे हैं वो फोन पिक नहीं कर रहा है तो लोग पूछते हैं बेल जा रही है, बेल जा रही है. बेल का यूज यहां पे बिल्कुल गलत है. इट्स इनएप्रोप्रिएट, क्योंकि फोन उसे आप जो भी कहें बट एक्चुअली उसे रिंग कहते हैं. जब फोन बजता है तो उसको हम बेल नहीं रिंग कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. ये मेरा मार्कर है और ये मेरे मार्कर का कैप है. क्या मेरे मार्कर का ये कैप या मेरा इसे, इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को कैप कहना सही है? नहीं, ये कैप नहीं है, क्योंकि कैप वो होती है जो हम सर पे लगाते हैं. इसे हम सिंपली कहते हैं लिड, और हिंदी में कहते हैं इसे ढक्कन. आगे बढ़ते हैं. अगर आपने साइकिल चलाई है या चलाते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है हमारे मिड गार्ड में. दैट इज नॉट मिड गार्ड, दैट इज एक्चुअली मड गार्ड. मड, मड का मतलब होता है कीचड़. तो गार्ड यानी वो डिवाइस, वो ऑब्जेक्ट, वो टेक्निक जो आपकी साइकिल को कीचड़ से बचाए, तो वो मिड गार्ड नहीं, वो मड गार्ड है. और इसी ओवर जनरलाइजेशन के प्रोसेस में हम चीजों को प्लूरल करते हैं, लेकिन गलती तब होती है जब हम प्लूरल को प्लूरल करने लगते हैं. जैसे कि हमने कहा चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन इज ऑलरेडी प्लूरल, हमें वहां एस नहीं लगाना है. हाँ, अगर अपोस्ट्रॉफी वाला एस है तो ठीक है, लेकिन प्लूरल के सेंस में चिल्ड्रंस बोलना इज रॉन्ग, बिकॉज चिल्ड्रन इज ऑलरेडी प्लूरल. सिमिलरली मेंस, नो, मैन, विमेंस, विमेन, राइट. टीथ, टीथ अपने आप में प्लूरल है जिसका सिंगुलर होता है टूथ. तो इन चीजों का भी ध्यान रखें कि जो चीजें प्लूरल हैं उन्हें आप प्लूरल ना बनाएं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्लूरल. और यहां पे हम एक फ्रेज यूज करते हैं, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली, काइंडली आई रिक्वेस्ट यू. काइंडली एंड रिक्वेस्ट दोनों का मतलब एक ही होता है, तो हमें दोनों को यूज करने की जरूरत नहीं है. Either say I request you or say I have something to say to you very kindly. But kindly और request को एक ही sentence में एक साथ use मत करिए. And the last thing हम कहते हैं aggressiveness. नहीं, aggressiveness is again another victim of over generalization. It is simply aggression. तो मैं आशा करता हूं कि आज हमने जिन चीजों की बात की होगी उनसे आपकी कुछ लर्निंग होनी चाहिए और ज्यादा आपकी अनलर्निंग होनी चाहिए, यानी कि जो आपके मिसकॉन्सेप्शन है वो निकलने चाहिए, ताकि आप करेक्ट करेक्ट टर्म्स को, करेक्ट थिंग्स को और करेक्ट एंड राइट कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में जगह दे पाए. मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और इससे आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी. अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं, शेयर करें, ताकि वो भी इन चीजों को सीख सकें. बहुत बहुत शुभकामनाएं.